देश मांगे नीतीश कुमार, ये नारा और पोस्टर है जेडीयू कार्यकर्ताओं का। उनका कहना है कि अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को एक बार फिर से सर्वसम्मति से जेडीयू का अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक पूरी तरह जेडीयू के मिशन 2024 पर रहा। फिर से एक बार जेडीयू की ओर से सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात चली। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जेडीयू के सभी राज्यों के जो भी डेलीगेट्स आए, उन्हें नए वर्ष 2023 का कैलेंडर दिया गया। खास बात यह रही कि कैलेंडर में नीतीश कुमार को लाल पगड़ी पहने दिखाया गया और इसका हेडिंग है देश मांगे नीतीश कुमार। कैलेंडर में लिखा है कि स्वच्छ प्रतिभा, सुशासन और संयमी नेतृत्व नीतीश कुमार की यही पहचान है। उन्होंने बिहार का कायापलट किया, महिलाओं को सुरक्षित किया, युवाओं को भरोसा दिया, अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। कैलेंडर के इस कोटेशन से साफ है कि जेडीयू इस मुहिम में आगे बढ़ रही है कि नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाया जाए। एनडीए से अलग होने के बाद हाल के दिनों में भी जेडीयू कार्यालय और पटना की सड़कों पर भी नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन सभी विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात के बाद जेडीयू का मुहिम धीमा पड़ गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अब जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष को एकजुट करने की होगी। कुरहन्नी उपचुनाव में पार्टी की हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटा है, वहीं नीतीश कुमार पर बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अब कैलेंडर जारी करना है, पोस्टर ही जारी करना है तो कुछ हो कर ले। अभी कुढ़नी का चुनाव उनको पता नहीं चला है कि बिहार की जनता की सोच क्या बन गई है। बिहार की जनता अब त्राण चाहती है, मुक्ति चाहती है महागठबंधन से, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। उस महागठबंधन को अब देखना नहीं चाहती है, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर। अब बिहार की जनता मन बना चुकी है। अब बिहार के लोग एनडीए को पसंद कर रहे हैं, उनको भरोसा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनको विकास चाहिए और विकास भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, एनडीए ही दे सकती है। मोदी के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरे किसी के माध्यम से नहीं हो सकता है। और जहां पूरे देश की बात कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है और अपने स्वयं जो है से देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। और जो लोग सपना दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऊपर दिखाकर आसमान और नीचे से जमीन खिसका रहे हैं। वही सवाल ये भी है कि क्या नीतीश अब तेजस्वी के लिए बिहार का रास्ता खाली करेंगे, क्योंकि केसी त्यागी ने भी रविवार को यह कहकर अपने इरादे जता दिए कि सीएम नीतीश अगर 6 महीने के लिए दिल्ली चले जाएंगे तो 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। कैलेंडर पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे तो यही लगता है नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाने की मुहिम में जेडीयू काफी आगे निकल चुकी है। वहीं उसे आरजेडी का पुरजोर समर्थन भी मिल रहा है। देश भर में तो नीतीश कुमार जी की एक्सेप्टेबिलिटी व्यापक स्तर पर, जिस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा है और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनकी छवि देश के स्तर पर लोग पसंद करते हैं। आदमी नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैसे विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करें और 2024 के चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाए, ये सुनिश्चित हो सके कि 2024 के जो चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित हो और कहीं ना कहीं यह भी सुनिश्चित हो कि 2014 वाले 2024 में नहीं आए। पूरी विपक्षी एकजुटता को लेकर के सब लोग जो बिहार में दिखा, वो अब देश इंतजार कर रहा है, देश में दिखेगा। तो विपक्षी एकजुटता को लेकर आदरण नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि बीजेपी विरोधी शक्तियों को एकजुट करेंगे, बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा। 2024 में तो वैसे भी जो चुनाव हुए अभी, ठीक है कि गुजरात क्लीन स्वीप किया, लेकिन बीजेपी हिमाचल हार गई, जहां केंद्र की सरकार बैठी है दिल्ली एमसीडी हार गई, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह हार हुई, उड़ीसा में हार हुई, लेकिन एक कुढ़नी की जीत पर इतना खुशफहमी और इतरा रही है बीजेपी, इसका मतलब स्पष्ट संदेश है कि बिहार की राजनीति के उलट फिर और बिहार की राजनीति का जो केमिस्ट्री और गणित बदला है, इससे बीजेपी आदरणीय मोदी जी भयभीत हैं। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो अब तक खुद पीएम पद की दावेदारी को नकारते रहे हैं, क्या अब खुलकर सामने आएंगे
क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं से अलग पार्टी के दिग्गज नेता भी उन्हें केंद्र की सियासत में भेजने को आतुर दिख रहे हैं। पटना से शुभम लाल की रिपोर्ट, बिहार तक।